पूजा की कारिस्तानी पीछे से दिखाता हूँ आपको मैं। ये देखो कपड़े रखे हुए हैं यहाँ पर, कपड़े रखे हुए हैं, देखो देखो। ऐसा कभी हुआ है भाई? ये दुनिया है और ये जीवन है, बीमारी आएंगी भी जाएंगी भी, दुख आएंगे भी और जाएंगे भी, सुख भी आएंगे और जाएंगे भी, ये चक्रव्यूह चलता ही रहेगा। क्या हुआ अभी ना? उसकी वो उतनी चीव बन होती है, वो ना जेब में रख के दिया है, उसको धीरे धीरे स्मेल आई, उसे पता लग गया जेब में। कैसे देख रहा? क्या हुआ? क्या हो गया देख के जरा, ये क्या हुआ? उसे पता चल गया इसमें रखी हुई है, ले ले ना फिर ले ले। अभी मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास, जीवा क्लिनिक। तो जैसे कि आपने मुझे, आप में से ही किसी ने कमेंट किया था, जो प्रॉब्लम मेरे को है वही प्रॉब्लम उनको हुई है, तो उन्होंने बोला था आप जो जीवा क्लिनिक की जो मेडिसिन खा रहे हो, आपको आराम हुआ कि नहीं हुआ, और आराम हुआ तो मुझे बताइए, मैं तभी जाऊंगी तब आप मुझे बोलोगी कि आप पूरी तरीके से ठीक हुए हो। तो अभी मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगी, क्योंकि अभी तो मेरा ट्रीटमेंट चल ही रहा है, जब मेरा कंप्लीट हो जाएगा और पूरी तरीके से मैं ठीक हो जाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी कि आप वहाँ पे जाएं कि नहीं जाएं, क्योंकि अभी मैं कुछ बोल नहीं सकती। तो अभी मुझे टाइम लगेगा कम से कम 15 से 20 मिनट, क्योंकि डॉक्टर साहब अभी आए थे, वो किसी को थेरेपी दे रहे, तो उन्होंने कहा 15 से 20 मिनट के लिए वेट कीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको देखती हूँ। मैंने चलो कोई बात नहीं, तो डॉक्टर को मैं दिखा के आ रही हूँ। अब उन्होंने जो मेरी दवाई पहले थी ना, सेम वही दवाई है, दो दवाइयाँ थोड़ी सी चेंजिंग की है, और जो हमने यहाँ पे काउंटर है यहाँ पे इनको स्लिप दे दी है, तो ये दवाई अभी पूरा उसका पैकेज बना के हमें देंगे, और करीब 10 से 15 मिनट लगी जाएंगे, तब तक आप इनके पास होंगे। भगवान ना करे कोई यहाँ आए तो कहने का मतलब ये है कि दवाइयों की किसी की जरूरत ना पड़े, बीमार कोई ना हो, स्वस्थ रहें सभी, लेकिन हमें तो दूसरी बार आना पड़ा है, और भगवान ना करे हमें तीसरी बार आना पड़े। ऐसा कभी हुआ है भाई? ये दुनिया है और ये जीवन है, बीमारी आएंगी भी जाएंगी भी, दुख आएंगे भी और जाएंगे भी, सुख भी आएंगे और जाएंगे भी, ये चक्रव्यूह चलता ही रहेगा पूरे जीवन का। अलग अलग काउंटर बनाए हुए, जैसे कि मैं गई थी 4 नंबर गेट में, ये 3 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 1 नंबर है, तो सब में डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं अलग अलग बीमारी के लिए। यहाँ पे ये काउंटर है, तो यहाँ पे लगी थी मुझे प्यास, और मैंने मंगाया है ठंडा ठंडा पानी। ठंडा है? नॉर्मल है। आपने पी लिया? ये पाउडर है, ये मेडिसिन है, मेडिसिन खाओ और लंबा जीवन जियो, मेडिसिन खाओ निरोगी रहो, बीमारी को भगाओ। ऐसी जरूरत ही पड़े मेडिसिन खाने की? मेडिसिन मैं कहूँ जरूरत ना पड़े, भगवान करे किसी को मेडिसिन खाने की जरूरत ही क्यों पड़े? हाँ, लेकिन पड़ेगी तो खानी पड़ेगी भाई, और खाएंगे नहीं तो फिर जिएंगे कैसे, बीमारी कैसे जाएंगी? इतना टाइम लग गया यहाँ पे डॉक्टर के पास दिखाने में, इतना टाइम लगेगा जितना दवाई लेने में टाइम लग गया, कम से कम 1 घंटे के लिए हमें बैठना पड़ा, उसके बाद दवाई हमारी बन के आई है, और विशेष इंतजार कर रहा है कार में, हम लोगों को लग गया इतना ज़्यादा टाइम, मुझे तो कार भी नज़र नहीं आ रही, पता नहीं किस साइड ले गया, और धूप इतनी तेज एकदम चिलचिलाती हुई धूप, विशेष ही पता नहीं कहाँ है कार, कहाँ पे खड़ी कर रखी है, अच्छा हो रहा साइड में, उस साइड में। तो क्लिनिक से आने के बाद अभी मैं आई हूँ नहा के, और अब मैं यहाँ पे खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि सबको खाना भी टाइम पे देना है,
इसलिए तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या बनाऊँ। तो थोड़ी सी पनीर रखी हुई थी फ्रिज में, मैंने उसी को निकाला और मैंने सोचा चलो मैं इसी की भुजिया बना लेती हूँ। तो पहले तो मैंने डाला है सरसों का तेल, क्योंकि मेरे घर में सब्जी में यही यूज होता है। उसके बाद उसमें मैंने हींग डाली, थोड़ा सा जीरा डाला, और डालने के बाद ये है 3 से 4 मीडियम साइज़ की मैंने ली थी प्याज, जिनको मैंने बारीक कट कर लिया। साथ में 3 से 4 ही मैंने ली थी हरी मिर्च, और इनको मैंने डाल दिया। अब मैं इसमें थोड़े से मसाले डालूंगी, जैसे कि हल्दी पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर है, धनिया पाउडर है, और ये है नमक। आज मैंने गलती से इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल दिया, और अपने लिए सब्जी, मतलब मैं क्या करती हूँ, मैं मसाले बाद में डालती हूँ जब मैं अपने लिए निकाल लेती हूँ, है ना, क्योंकि मेरी लाल मिर्ची खाने की मना है। मतलब कम खाओ, खा सकते हो लेकिन कम, लेकिन आज तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा, मैंने डाल दिया जल्दबाजी में। तो इसमें मैंने 3 से 4 कटे हुए डाल दिए हैं टमाटर, 3 से 4 नहीं डाले, सॉरी 2 टमाटर मैंने डाले हैं। डालने के बाद इन सबको मैंने अच्छे से भून लिया, और यहाँ पे है ये पनीर जिसको मैंने अच्छे से ग्रेट करके रखा हुआ है, और सारा पनीर लेके मैंने इसके अंदर डाल दिया। डालने के बाद अब मैं सबको कर दूँगी अच्छे से मिक्स, इसे चला दूँगी। और जो भुंजिया है ये मैंने फर्स्ट टाइम बनाई है, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वैसे भुंजिया मतलब मेरे घर में कमी बनती नहीं है, मैंने बनाई नहीं आज तक। बस मैं इसकी सब्जी बना लेती हूँ कई तरीके से, मतलब वो भी, लेकिन भुंजिया तो मैंने फर्स्ट टाइम बनाई है। अब देखती हूँ कि किसी को पसंद आती है कि नहीं आती। और यहाँ पे जो मेरी भुजिया बन चुकी है, इसमें मैंने डाल दिया लास्ट में थोड़ा सा हरा धनिया। लाल मिर्च वाली चटनी खाओगी? मैं तो कुछ ना खाऊंगी, मैं तो दाल दी, क्योंकि विश्वास बनवा रहा है। बनवा ले, बना ले, आपके लिए बना दो थोड़ी सी बाद में खाने के लिए, कि नहीं ठीक है? ठीक है जॉर्जी, चटनी खानी है? जॉर्जी ने खा ली सब चटनी। तो खाना मेरा बन चुका है। खाना बनाने के बाद सारा खाना मैं लेके आई हूँ यहाँ पर, और एसी चलाया हुआ है। डाइनिंग टेबल पे खाना नहीं खा रहे क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है, और रूम हमने पहले ही ठंडा कर दिया था। मैंने कहा चलो आज तो भाई रूम में बैठ के खाएंगे, क्योंकि गर्मी में खाना खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा, तो इस वजह से। और कहते हैं ना, जो स्वाद नीचे बैठ के खाना खाने में आता है ना, वो डाइनिंग टेबल पर तो है ही नहीं। रोटी सब्जी सब कुछ मेनू के लिए आराम से नीचे बैठ के खाना खाएंगे, क्योंकि गर्मी में ना बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था खाना खाने का। विश्वास से बोलिए, आज ये स्पेशल क्या बनाया है? सावन में अंडे की भुजिया? अंडे की नहीं है भाई, ये पनीर की भुजिया है। ओ, ये कब, ये पीछे क्या पड़ा है आपके? क्या? पीछे पीछे पूजा की कारिस्तानी, पीछे से दिखाता हूँ आपको मैं। ये देखो कपड़े रखे हुए हैं यहाँ पर, कपड़े रखे हुए हैं, देखो देखो जिसको किसी को दिखे ना दुपट्टे, तो इतने सारे दुपट्टे, एक दुपट्टा सब ठीक था। छुपाना नहीं भाई, अपने व्यूअर्स को दिखाना है। जैसे खाते हो, जैसे पीते हो, जैसे रहते हो, हाँ, लेकिन आप छुपाते हो। नहीं छुपा नहीं, ये टाइम ज्यादा हो गया ना, आज आप लेट हो गए खाने के लिए। कैसी लगी? तो ये है थोड़ी सी अरवी की सब्जी जो मैंने कल बनाई थी, अरवी के पत्ते की सॉरी। और ये मैंने बनाई थी पनीर की भुजिया जो आप सभी के साथ शेयर भी किए। और यहाँ पे खा रहा है विश्वास खाना। विश्वास ऐसी लग रही है ना, अंडे की सी भुजिया, अंडे की सी भुजिया लग रही है ना। और ये है मेरा खाना, थोड़ी सी अरवी के पत्ते की सब्जी जो भाई खत्म करनी है, थोड़ी बच गई थी, साथ में पनीर की भुजिया, सैलेड में है खीरे। खाना पीना होने के बाद, खाना पीना हो गया है, बस स्लेब की सफाई होगी, गैस की सफाई होगी, बर्तन साफ होने के बाद। यहाँ पे सुनीता कर रही है बर्तन साफ। तबीयत तो सही है? आँख सही है? मैं तो आँख देखने में ऑर्डर लग रहा है तेरी साइड, मेरी भी सही है, थोड़ी थोड़ी लग रही है मुझे। क्या बोल रहे, तू नहाई नहीं है, कपड़े वही पहन रखे हैं? नहीं दवाई ले क्या, छोरी की कहाँ नाना टाइम मिल रहा मुझे, दो बार से दवाई है, एक बार से गिर खोली नहीं, बंद कर रखा था, फिर उसके बाद खोली भी, फिर बेल बजाई, जब फिर खोली, फिर मैं 10 बजे घर पहुंच गई, फिर 10 बजे सारे 10 बजे तक मैं काम करने लग गई घर को, मतलब थोड़ी दवाई दिया मैं तो कह रही है अभी आओ, तुम अभी आओ, मैं 5 मिनट बैठ गई हूँ।
मेरे को लग ही रहा है तेरे को देख के कपड़े वही पहन रखे हैं, नहाई नहीं है, गर्मी भी तो इतनी ज़्यादा हो रखी है। अच्छा बुखार का सीजन चल रहा है, वो समय ऐसा है आँखों का ज़्यादा चल रहा है इस समय पे। सुनीता ये प्रसाद ले जाना, ठीक है ये प्रसाद ले जाना, ये रखो।